यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग से संबंधित है, जिसमें एक महिला को बीमा कंपनी से बड़ी धनराशि का मुआवजा मिला है। शालिनी अग्रवाल, जो कमला नगर आगरा की निवासी हैं, उनके पति स्वर्गीय राहुल अग्रवाल की मृत्यु के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 1,63,00,000 रुपए का मुआवजा प्राप्त हुआ। जिला उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार ने कमला नगर बी ब्लॉक निवासी शालिनी अग्रवाल को उसके पति की मृत्यु के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 1,63,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया। बादिया शालिनी अग्रवाल के पति स्वर्गीय राहुल अग्रवाल निवासी B5 कमला नगर आगरा ने दिनांक 4 जनवरी 2020 को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 1,50,00,000 की पॉलिसी ली थी। पॉलिसी की वार्षिक प्रीमियम 1,21,864 थी। बादिया के पति ने अपने जीवन काल में बीमा कंपनी को किश्त भरते रहे। उक्त पॉलिसी 4 जनवरी 2066 को परिपक्व होनी थी। पॉलिसी में यह शर्त थी कि बीमा धारक की मृत्यु हो जाने पर बीमा कंपनी 100% भुगतान करेगी, लेकिन दिनांक 4 फरवरी 2022 को बादिया के पति राहुल अग्रवाल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बादिया उक्त पॉलिसी में नॉमिनी थी। बादिया ने बीमा कंपनी को पति की मृत्यु की सूचना दी तथा क्लेम की सारी औपचारिकताएं पूरी कर क्लेम का दावा प्रस्तुत किया, लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि बीमित राहुल अग्रवाल ने बीमा लेते समय अपनी डायबिटीज तथा हाइपरटेंशन की बीमारी छिपाई थी। वादिया ने तब जिला उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग में उक्त बात प्रस्तुत किया, लेकिन आयोग ने 2 साल के ही अंदर उक्त मामले में निर्णय दे दिया, जिस 1,46,42,700 रुपए निर्णय के 45 दिन के अंदर दिनांक 11 अक्टूबर 2022 से अर्थात दावा प्रस्तुत करने के दिनांक से 6% ब्याज सहित अदा करने तथा 1,00,000 रुपए मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के दौरान पर तथा 10,000 रुपए बाद ब्याज के तौर पर अदा करने के आदेश किए थे। इससे पहले 8-10 साल यहाँ मुकदमे लड़े जाते थे, तब भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। अब तब से ये फोरम के अध्यक्ष आए हैं और तब से ये बहुत शीघ्र निस्तारण हो रहा है, गुण दोष के आधार पर हो रहा है। और इतनी बड़ी इस केस का दो साल के अंदर भुगतान भी प्राप्त हो गया और कोई इनको यहाँ भी एग्जीक्यूशन भी नहीं लगानी पड़ी है और उपभोक्ता प्रसन्न है। ऐसा ना करने पर बीमा कंपनी को 11 अक्टूबर 2022 से 9% ब्याज सहित अदा करने के भी आदेश थे, लेकिन बीमा कंपनी की ओर से मैं ब्याज 1,63,00,000 रुपए का चेक जमा किया गया, जिसको आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार ने बादिया के अधिवक्ता नरेश शर्मा की मौजूदगी में बादिया को प्रदान किया। कंप्लेन किया था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से, तो उनकी डेथ के बाद उन्होंने देने से मना कर दिया, उसके लिए मैंने केस किया था। कब तक, कब का केस है, कितने? 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। कितना अमाउंट है, लगभग कितना? 1,63,00,000। कितना? 1,63,00,000। 1,63,00,000। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा।